90 फीट ऊंचे झंडे जी के आरोहण के साथ ही झंडे मेले की शुरुआत हो गई। यहाँ पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तमाम जगह से संगतें पहुँची, जिन्होंने झंडे जी का दीदार किया और आशीर्वाद भी लिया। सनील गिलास, जो कि झंडे जी पर चढ़ाया जाता है, उसकी बुकिंग 100 साल पहले से चलती आ रही है। इस बार 37 साल बाद संसार सिंह, जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनके नाम सनील गिलास चढ़ाने का उनका नंबर था इस बार, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने मोबाइल पर ही इसका लाइव प्रसारण देखा और सनील गिलास चढ़ने के बाद झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया पूरी हुई। मेरा नाम मीना है, मैं जलंधर से आई हूँ। हम 25 साल से आ रहे हैं महाराज जी के दरबार में। हमें सारा कुछ मिला है, सब कुछ मिला है महाराज जी के दरबार से। हम जो भी मन्नत मांगते हैं महाराज जी हमारी साल से पहले पूरी कर देते हैं। हमें अपने गुरु जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। हम कम से कम 30 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आके गुरु के पास। ऐसे लगता है कि हम दुनियादारी छोड़ देते हैं, अपनी रिश्तेदारी के पास नहीं जा जाते हैं, गुरु के पास आते हैं। गुरु के पास आके इतना सुकून मिलता है। आज का जो दृश्य देख के ऐसे लगा कि हम जन्नत में पहुँच गए। स्वर्ग आगे का तो देखा नहीं, हमें यहाँ का स्वर्ग देखा। हमने आज झंडा साहब को जब से देखा बहुत बढ़िया है। दर्शन महाराज जी के हुए हैं और सभी संगतों को लाख लाख बधाई झंडा जी के। हम कम से कम मेरे दादा परदादा जी यहाँ 60-70 साल से आ रहे हैं। हम भी इसी तरह हर एक साल की तरह झंडा के पर आते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ना देहरादून में आए हैं गुरु रामदास जी के दरबार में। बड़ी श्रद्धा भावना से आते हैं यहाँ पर, संगत बहुत प्रेम भावना से आती है। यहाँ का झंडा साहब हर किसी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बहुत दूर दूर से संगत आती है। आज गुरु महाराज जी का झंडा साहब था तो सभी लोगों ने दर्शन किए हैं महाराज जी के, और हमारे छोटे भाई और बड़े भाई सभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बाबा जी हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं।